नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम माता रानी का लहंगा बनाएंगे, दो कलर से बनाएंगे। और इसमें हमें, ये देखिए, हमने दो सलाइयों पर फंदे डाले हैं। इसमें एक पतली सलाई है 12 नंबर की और एक है 11 नंबर की। तो दो सलाइयों पर डाल के 12 नंबर की सलाई को हमें इसमें से धीमे से निकाल देना है। इसमें हमने 50 फंदे डाले हैं, तो इस सलाई को हम धीमे से, देखिए, आराम से इस तरह से निकाल देना है। ये देखिए, एक सलाई को आराम से इसमें से खींच लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें, ये 50 फंदे हमारे हो गए, ढीले ढीले फंदे हमको डालने थे, इसलिए हमने इसमें दो सलाइयों में डाली। तो ये हमारे 50 फंदे हैं। तो ये पहली सलाई जब हम बुनेंगे तो इसको हमें पूरा दोनों तरफ से, इधर से और उधर से, दोनों तरफ से हमको उल्टा उल्टा बुनना है। ये देखिए, इस तरह से, देखिए, ये पूरी सिलाई हमको उल्टी उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से हम उल्टा उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। फिर आगे आपको दिखाते हैं कि सेकंड कलर का, जो हमने दो कलर लिए हैं, उसका हम कहां पर इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से हम उसको लगाएंगे। तो इसको दो सिलाइयां हम इसको बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, दो सिलाइयां ये बुन करके कंप्लीट हो गई, एक रो और दो सिलाइयां उल्टी उल्टी बुन करके हमने कंप्लीट कर ली। अब हमें, देखिए, सेकंड कलर लगाएंगे। तो इसके लिए पहले हमें एक फंदा, तो देखिए, हम उतार लेंगे और 7 फंदे हमको उल्टे बुनने हैं। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः और ये 7। 7 फंदे ये हमने उल्टे बुन लिए। अब हम यहां पर सेकंड कलर लगाएंगे, वो देखिए किस, यहां पर ये देखिए, इस तरह से कलर लगा लेते हैं। और देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, 7। ये 7 फंदे हमने ग्रीन कलर से बुन लिए। अब 7 फंदे हमें रेड कलर से बुनने, इसी तरह से पूरी सिलाई हमको इसी तरह से बुननी है। 7 फंदे रेड से बुनेंगे और 7 फंदे हमें ग्रीन से बुनने हैं। इस तरह से बुन करके हम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे दिखाते हैं कि हमें किस तरह से बुनना है। ये देखिए, 7 फंदे हमने ग्रीन से, 7 फंदे रेड से, इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, जो फंदा जैसा है हमको उसी तरह से, उसी कलर से बुनना है। 7-7 फंदे हमने बुने थे, तो 7-7 फंदे ही हमको बुनने हैं। ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 फंदे हमने रेड से बुने, उनको पीछे करेंगे और ग्रीन उनको आगे लाएंगे। और ये हमारे जो रेड है, ग्रीन है, तो इनको हमें 7 फंदे हैं, तो ये 7 फंदे हम इसी कलर से बुन लेते हैं। तो इस तरह से हमारे जो, जिस रंग का फंदा है उसको इस सिलाई में हमें उसी तरह से बुनना है। ये पूरी सिलाई हमको इसी तरह से कंप्लीट करनी है। फिर उल्टी सिलाई पे आपको बताते हैं कि हमें कैसे बुनना है। ये देखिए, पूरी सिलाई हमने जो फंदा जैसा था वैसा बुन करके कंप्लीट कर लिया। इस तरह से ये हमारी इधर से और दोनों तरफ से हमने उसी तरह से बुन लिया। 7 फंदे हैं भारी हमारे। अब हमें क्या करना है, ये 7 फंदे हैं, इनमें से एक फंदा ये रेड करेंगे, तो एक फंदा इधर से रेड करेंगे, इधर से, तो ये हमारे बीच के 5 फंदे रह जाएंगे। तो 5 फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे और ये 7 फंदे हैं, इनको एक इधर से मिलेगा तो एक इधर से, तो ये रेड वाले जो हैं ये हमारे 9 फंदे हो जाएंगे। तो देखिए, इसको बुनते हैं किस तरह से बुनना है। पहला फंदा हमने उतारा और देखिए, ये फंदे हम रेड से बुन रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर एक हमारा ज्यादा था। और ये फंदा, ये देखिए, एक ग्रीन फंदा है, इसको हमें रेड बुन लेना है। ये देखिए, इसको रेड बुन लिया और ये बीच के 5 फंदे हैं, इनको हमें ग्रीन बुनना है। 1, 2, 3, 4
और ये पांच, ये पांच फंदे हमने ग्रीन से बुन लिए और ये इधर का एक फंदा, ये हमारा रेड बुना जाएगा। तो जो हमारे सात फंदे ग्रीन से थे वो हमारे पांच रह जाएंगे और रेड वाले हमारे ये नौ हो जाएंगे। इस तरह से ये पूरी सिलाई हमको इसी तरह से कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से बुन करके ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये तैयार हुआ। अब ये हमारे बीच में देखिए पांच फंदे ये हैं, पांच फंदे और बीच के ये रेड वाले हैं, ये नौ फंदे हो गए। अब हमें एक फंदा फिर इसमें से कम करना है। तो एक फंदा इधर से रेड हो जाएगा, एक फंदा इधर का हमारा रेड हो जाएगा। ये दोनों फंदे एक एक रेड हो जाएंगे। तो ये बीच के तीन फंदे हैं, ये तीन फंदे हम ग्रीन बुनेंगे। बीच के सभी फंदे जितने हैं ये फाइव फाइव हैं, पांच पांच फंदे हैं, इनको तीन फंदे कर रह जाएंगे हमारे। एक फंदा इसमें हम फिर मिला देंगे तो ये रेड हमारे नौ फंदे हैं, तो नौ के ग्यारह ग्यारह फंदे हमारे हो जाएंगे और ये तीन हो जाएंगे। तो इसको हमें देखिए इसको उसी तरह से बुनते हैं। देखिए कि पहला फंदा हमने उतारा और ये फंदे हमें ये देखिए रेड से बुनने हैं। रेड वाले फंदे हमें सभी रेड से बुनने हैं, ग्रीन के फंदे हमको करने हैं। तो ये देखिए किस तरह से, ये देखिए ये हमारे ग्रीन आ गए। इसमें से एक हम रेड ले कर लेंगे, ये कर लिए। अब हमारे तीन फंदे बचेंगे, हमें तीन फंदे ग्रीन से बुनने हैं, एक दो और ये तीन। ये तीन फंदे हमारे ग्रीन से और ये हम रेड से बुन लेंगे। इसी तरह से पूरी सिलाई हमको इसी तरह से कंप्लीट करनी है। देखिए इसी तरह से बुनते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये तीन फंदे और ये तीन फंदे। अब हमारे ये ग्रीन वाले तीन फंदे रह गए। उल्टी सिलाई पर जो जैसा है हम उसी तरह से बुनेंगे। तो ये पूरी सिलाई हमको उसी तरह बुननी है जिस तरह का जो फंदा है। ये देखिए उल्टी सिलाई हमारा जो फंदा जैसा था उसी कलर से हमने बुन लिया। अब हमारे ये देखिए ग्रीन से तीन फंदे और तीन फंदे। अब हमें क्या करना है, जो तीन फंदे हैं इसको एक किनारे का इधर से रेड करेंगे और एक किनारे का इधर का रेड करेंगे और बीच का फंदा जो है इसको हमें ग्रीन बुनना है। तो इस तरह से हमारे सभी फंदे रेड से हो जाएंगे। बीच का एक फंदा इसका, एक फंदा ये और एक फंदा ये तीनों फंदे एक एक फंदे तीनों के ग्रीन से बुनने हैं। तो ये सभी फंदे देखिए सीधी सिलाई पे ये पहला उतारेंगे और ये रेड से हमें बुनना है। इस तरह से बुनते हैं। ये देखिए इस तरह से बुन लेते हैं और ये आ गया। ये देखिए अब हमारा इसमें से हमें ग्रीन है, इसमें से एक फंदा लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने एक फंदा ग्रीन से ले लिया, एक रेड से ले लिया ग्रीन से और ये बीच का फंदा हमको ये ग्रीन से बुनना है। यहां से टाइट कर लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इसके ऊपर से इस तरह से लेंगे। ये देखिए एक फंदा हमारा ग्रीन से हो गया और अब सभी फंदे ये रेड से। इसी तरह से आगे भी हमको बीच का एक फंदा ग्रीन से लेना है और सभी फंदे हमको रेड से बुनने हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा ये बुन करके कंप्लीट होगा। तो ये सब इस तरह से बुन के पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए सीधी सिलाई हमने, एक फंदा हमारा ग्रीन का रह गया, ये देखिए सभी जगह एक रह गया और सब फंदे हमारे रेड के हो गए। अब उल्टी सिलाई हमारा जो फंदा जैसा है हमें उसी तरह से बुनना है। ये फंदे सब रेड से बुनेंगे और एक फंदा ग्रीन से। इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से पूरा बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब हमारे एक फंदा और एक फंदा इस तरह से हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम दो सिलाइयां रेड से बुनेंगे। इधर से भी रेड से बुनेंगे और उधर से भी। सीधी सिलाई भी हमें रेड से बुननी है और उल्टी सिलाई भी हमें रेड से बुननी है। तो अब हम ग्रीन का अभी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, अभी हमें पूरी रेड से इधर से उधर से दोनों सिलाइयां हम रेड से बुन करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये पूरी बुनाई हमने बुनने के बाद, एक फंदा जो हमारा रह गया उसके बाद हमने दो सिलाइयां रेड से की, इधर से सीधी और उधर से उल्टी सिलाई। इस तरह से देखिए बुन करके हमने कंप्लीट किया। अब हमें क्या करना है, हमें यही वाली बुनाई यहां पर डालनी है, एक यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर। इस तरह से ये तीन पड़ी थी, अब हमारी यहां पर चार पड़ेंगी। तो इनको किस तरह से डालना है उसको देखेंगे हम। ये देखिए ये शुरू के सात लाल, पहले हमने सात फंदे बुने थे, अब हमें हरे से ग्रीन से बुनना है। तो देखिए एक
दो तीन चार पाँच छ और ये सात, ये सात फंदे हमने ग्रीन से बुन लिए। अब सात फंदे हमको रेड से बुनने हैं, तो ये रेड से बुनेंगे। देखिए अब हमें ये सात फंदे रेड से, एक दो तीन चार पाँच छ और ये सात, ये सात फंदे हो गए। ये देखिए, और ये बीच का फंदा हमारा ये ग्रीन वाला है, ये देखिए इसकी, ये हमारा ग्रीन का फंदा है ये वाला। तो ये तीन फंदे इधर हमारे रेड हो गए और तीन फंदे हमारे इधर हो गए, तो ये बीच में। इस तरह से भी आप पता लगा सकते हैं कि हमारा बिल्कुल सही बन रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, सात फंदे ये, सात फंदे रेड के, और पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये दो डिजाइन हमारी जैसी हमने नीचे डाली थी उसी तरह से हमने ये ऊपर डाल करके कंप्लीट कर ली, और दो सिलाइयां हमने एक सीधी और एक उल्टी रेड कलर से बुन ली। इस तरह से हमारा ये तैयार हो गया। अब हमें आगे किस तरह से बुनना है, ये देखिए सीधी सिलाई पर हम हैं, इसको हमें बुनना कैसे है, एक फंदा हम उतार लेंगे और सभी फंदों के हमें दो के एक करने। ये देखिए, ये दो का एक, ये देखिए ये हमने दो का एक किया, फिर हमें दो का एक करना है। ये देखिए, ये हम दो का एक कर लिया, फिर हम दो का एक करेंगे। इसी तरह से सभी फंदे दो का एक करके हमको बंद कर देने हैं। देखिए दो का एक करेंगे तो हमारे आधे फंदे रह जाएंगे। ये देखिए इस तरह से करना है हमको। ये सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सभी फंदों के दो का एक करके ये पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई पर हमको सभी फंदे उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदे हमको उल्टे उल्टे बुन लेते हैं। ये सभी फंदे उल्टे बुनते, देखिए पूरी सिलाई हमको उल्टी बुन करके कंप्लीट करनी है। ये उल्टी सिलाई हमने पूरी उल्टी बुन करके कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए। सीधी सिलाई पर पहला फंदा हम उतारेंगे और एक बार फिर हमें ये दो के एक, सभी फंदों को हमें फिर दो का एक करना है। देखिए इस तरह से सभी फंदे हम इसी तरह से दो का एक करते जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं दो का एक करते हुए। ये देखिए इसी तरह से हम पूरी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दो का एक दूसरी बार हमने इसको दो का एक किया, और अब हमें उल्टी सिलाई पर है, ये सभी फंदे हमको उल्टे उल्टे, पूरी सिलाई हमको उल्टे उल्टे बुन करके कंप्लीट करनी है। तो ये पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बुन लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए उल्टी सिलाई बुन करके कंप्लीट कर ली। अब हम सीधी सिलाई पर हैं। अब हमको दो रो और चार सिलाइयां बुन करके कंप्लीट करनी है। दो रो बनाएंगे और उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदे दोनों तरफ से हमको उल्टे उल्टे बुनने हैं। तो ये दो रो और चार सिलाइयां बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से हमको उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करना है। और इस समय इसमें हमारे 14 फंदे हैं, ये हमने घटा के बंद कर दिए, तो ये हमारे अब इसमें 14 फंदे हैं। सात फंदे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फंदे हमारे इसमें बचे हैं घटाने के बाद। ये देखिए दो रो, ये दो रो हमने बना ली और चार सिलाइयां बुन के कंप्लीट कर ली। अब हमारा ये देखिए माता रानी का लहंगा ये बन करके ये तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम सभी फंदे बंद कर देंगे। दो का एक करके हमको सभी फंदे बंद कर देने हैं। देखिए इस तरह से दो का एक करेंगे और ढीला ढीला हमको बंद करना, ज्यादा टाइट नहीं बंद करना है, इसको ढीला ढीला बंद करेंगे। ये सभी फंदे दो का एक करके बंद कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ये लहंगा बन करके तैयार हो गया है। इसको मैंने ऊपर से बंद कर लिया। अब हम इसमें यहाँ पर डोरी डालेंगे और यहाँ पर अगर आप लेस लगाना चाहें या कुछ ही इसको डेकोर करना चाहें तो इसको उस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए डोरी डाल करके तैयार करते हैं। ये देखिए मैंने डोरी डाल करके इसको तैयार कर लिया है। हमारा ये तैयार है बिल्कुल। अगर इसको आप डेकोर करना चाहें तो इसमें मोती लगा करके या लेस लगा करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।